बड़गाम के जिला अस्पताल में आज एचआईवी टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह नाज़िम सेहत कश्मीर ने किया। जी नाज़िम, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद रथर ने आज जिला अस्पताल बड़गाम में एचआईवी टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह किया। मज़कूरा लैब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से सनद याफ्ता है। इस मौके पर मुख्तलिफ अफसरान की मौजूदगी में एचआईवी टेस्टिंग लेबॉरेटरी को अवाम के नाम वक्फ कर दिया गया ताकि इलाके के मरीज लैब की तिब्बी सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर सके। नाज़िम सेहत ने इस मौके पर बताया कि एचआईवी टेस्टिंग लैब तिब्बी ढांचे का एक अहम हिस्सा है और मज़कूरा लेबॉरेटरी का इफ्तिताह होने से इलाके में अब इस अहम ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। वहीं मकामी लोगों ने भी इस अहम पहल का काफ़ी खैर मकदम किया है। देखिए, जो ये जो ICTC लैब से ये थ्रोट हमारे J&K में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक लेवल पे है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये एक जो हमारा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जो हमारा एड्स कंट्रोल डिवीजन है, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलिंग होती है और टेस्टिंग होती है। आज का जो ये प्रोग्राम था जिसको हमने इनॉग्रेट भी किया, आपने देखा, दिस इज़ द फर्स्ट लैब इन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जम्मू एंड लद्दाख जिसको NABL एक्रेडिटेशन हुई है और 95.8% इसका जो स्कोर आया है। तो इसके लिए मैं यहाँ का जो ये टीम है, एड्स कंट्रोल के असिस्टेंट डायरेक्टर, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे CMO साहब और जो भी यहाँ लोग इसके साथ जो जुड़े थे, जिन्होंने इनके इसके लिए बड़ा काम किया है, एक दो साल से इसका जो पहले पेपर वर्क होता है, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो करना पड़ता है, बाकी वो कैलिब्रेशन, बाकी चीज़ें देखनी पड़ती है, इक्विपमेंट देखना पड़ता है, ये सारा मैं इनको बधाई देता हूँ, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और इनकी वजह से आज जो हमने ये किया, मैं यही चाहूँगा जहाँ जहाँ और भी ये हुआ है, जल्द अज जल्द हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब और मेरा जो डायरेक्टरेट के CMOs हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनका सपोर्ट तो इनके साथ रहेगा ही रहेगा। ये एक अच्छी बात है, दिस इज़ द 100% करेक्टेड टेस्ट, यानी कि नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो ही NABL एक्रेडिटेशन होती है तो एक स्टैंडर्ड माना जाता है, इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, इसकी स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ही वैलिड टेस्ट बन जाता है। हमने जो टेक्निकल वेटिंग करानी थी, ड्राइंग जो थी वो हमने कंप्लीट करी। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, इन एडिशन टू 125 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमने इसके साथ और एक 100 बेडेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जोड़ दिया, यूनिट जोड़ दिया, यानी कि ये 225 बेडेड बन जाएगा। और इसमें जो थोड़ा सा ड्राइंग्स में ये रहा कि हमने कोऑर्डिनेट और ये करना था कि एक 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 जगह ही इसको लेके रखें ताकि जो ये फैसिलिटीज़ है दोनों लोगों को बराबर टाइम पे और एक सिस्टम में मिले। या इसका जो ड्राइंग्स कंप्लीट हो गई, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का मुझे लगता है टेंडरिंग प्रोसेस में है, बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा। हम देखेंगे, अगर यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं आता है तो 2-3 दिन हम ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं।